2025 ऐसे होगा दादी पोते का रिश्ता। अचानक मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। लता जी घबरा सी गई। जब उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। लता जी परेशान हो गई और कहा कि इतनी रात को किसका फ़ोन है। फिर वो बिस्तर से उठकर टेबल के पास गई और देखा कि अमेरिका से बहू का फ़ोन आया था। लता जी के हेलो बोलने से पहले ही उधर से उनके पोते क्रिस की आवाज़ आई, हेलो दादी, आप कैसी हो? लता जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ना बोले पाई। क्रिश, हेलो दादी, आर यू हियर? क्रिश ने जोर से कहा, यस माई डियर, हाउ आर यू? लता जी ने कहा, दादी आप ठीक तो हो ना? क्रिश ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हूँ, पर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? लता जी ने कहा, अरे दादी, अपने राधे रहे बोला, हाँ आर यू बोला तो डर गया कि मेरी दादी को क्या हो गया। कृष्ण ने अपनी दादी से कहा, अरे माय डियर पोते, तेरी दादी सठियाई नहीं बल्कि तेरे साथ मजे से गिटपिट करने के लिए अंग्रेजी भाषा सीख रही हैं। तुम्हारे पापा ने एक ट्यूटर लगा दिया है जो मुझे अंग्रेजी सिखाने आता है। वाह दादी, ग्रेट। लेकिन दादी, आपको तो पहले से ही मैंने काफ़ी अंग्रेज़ी सिखा रखी है। अरे नहीं डियर क्रिश, तेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के सामने तो गड़बड़ हो ही जाती थी। ओके दादी, ठीक है, पर मैं तो आपको खुश करने के लिए हिंदी सीख रहा हूँ। मम्मा ने मेरे लिए हिंदी सिखाने वाला ट्यूटर रख दिया है क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसलिए मुझको हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ना दादी? कृष की बातें सुन लता जी अवाक सी हो गई। उनके दोनों आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। विदेशी बहू होते हुए भी हिंदी से इतना प्रेम कि पोते को भी हिंदी सिखाने लगी। दोस्तों, यह होता है अनोखा प्यार जो हम अपनों से और अपनी मातृभाषा से करते हैं। हम भी रहे पर इससे अनोखे प्यार को कभी खोना नहीं देना चाहिए बल्कि इसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। प्यार ही रिश्तों की बुनियाद है। धन्यवाद।